नमस्ते एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, मैं हो चुकी हूँ अभी रेडी। बहुत दिनों के बाद आज मैं व्लॉग बना रही हूँ। आप देख सकते हो सुबह के 10:30 हो रहे हैं और मैंने फिर से वही स्पोर्टी लुक ले लिया है क्योंकि मुझे स्पोर्टी लुक बहुत पसंद है। मैंने यहाँ पे स्पोर्ट्स शूज़ पहने हैं और ग्रे कलर का मैंने ये पैंट्स पहना है, कार्गो पैंट्स, ठीक है। और साथ में मैंने यहाँ पे नाइकी की ब्लैक टी शर्ट पहनी है और बस ये वॉच जो मैं हमेशा मेरी एक्सेसरीज रहती हैं, और मैंने एक लो बन बना लिया है। सो गाइस, आज से हमारी थोड़ी सी ट्रैवलिंग स्टार्ट हो रही है। हम जा रहे हैं अभी चंडीगढ़ से है हमारी फ़्लाइट और आफ्टरनून की है 2:30 की। तो अभी बस ड्राइवर ने आना है हमें पिक करने के लिए, तो हमने निकल जाना है सीधे चंडीगढ़ के लिए। तो बस ड्राइवर का ही वेट कर रहे थे, बाकी हमारा लगेज वगैरह रेडी है। जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ पे भी गर्मी ही है, सो उसी तरह की ड्रेसेस लेके जा रहे हैं। तो हमारी जो पैकिंग वगैरह थी, हमने बहुत लाइट क्लोथ्स मैंने डाले हैं और उसके बाद मैं जाऊँगी घर, ठंड वाली जगह अपने हिमाचल। लेकिन तब तक पहले हम घूम के आ जाते हैं और डब्बू मैक्स हुए हैं हिमाचल में। तो इस तरह से मैं हो चुकी हूँ रेडी। बाकी सैमू और सैमू के पापा भी बाहर बैठे हुए हैं ड्राइंग रूम में, बस ड्राइवर का ही वेट कर रहे थे। ड्राइवर ने हमें एयरपोर्ट ड्रॉप करना है, देन बस वहाँ से हमारी 2:30 की फ़्लाइट है। तो चलो गाइस निकलते हैं फिर, है ना। सुबह के मैंने सारे काम कर लिए। तो गाइस सुबह के भी मैंने सारे काम कर लिए। मैं 8 बजे उठ गई थी और उसके बाद मैंने सबसे पहले डिश वॉशर लगाया क्योंकि पीछे से अब गर्मियाँ है ना, तो एक भी बर्तन रह जाए घर में ना तो बहुत ज़्यादा स्टिंकी हो जाता है। सारा घर बंद करके जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे डस्ट स्टॉर्म भी चलते हैं बहुत ज़्यादा वाले। तो मैंने सारा घर बंद कर दिया है, सारी विंडोज़ सब कुछ आ रही हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने बालकनी में एक बहुत बड़ा टब चिड़िया के लिए रख दिया है और ये आगे मुझे चेक कर रहे हैं कि मैं जाने के लिए बोल रहे थे क्योंकि ड्राइवर आ चुका है नीचे। और मैंने चिड़ियाओं के लिए भी पानी रख दिया है, सब कुछ खाना वगैरह तो चलो लोग डालते रहते हैं पर मैंने देखा है पानी कम डालते हैं। तो गाइस भगवान जी से बात कर रही हूँ, बस इनसे बोल रही हूँ कि अब जा रही हूँ, आराम से जाएँ और आराम से आएँ। यहाँ पे हमारा लगेज रेडी हो गया है और हमने बहुत ही कम सामान लिया है, मतलब 5 डेज़ का ट्रिप है हमारा। तो गाइस चिड़िया के लिए ये पानी तो मैं रखती होती हूँ हमेशा, लेकिन ये सूख जाता है तो मैंने फ़िलहाल के लिए एक बड़ा टब भी रख दिया। छोटी छोटी चिड़िया आती है यहाँ मेरी विंडोज़ के पास रहती है। तो गाइस ड्राइवर हमें पिक करने आ गए हैं और हमारी कार एक वो खड़ी है, ऑफिस वाली कार वो है, और हम जा रहे हैं इसमें, इनकी ऑफिस की कार में। तो चलो चलते हैं। तो ड्राइवर ने हमें ड्रॉप करना है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे और वहाँ से 2:30 की हमारी फ़्लाइट है गोवा के लिए और बस फिर हम पहुँच जाएंगे गोवा। इस एयरपोर्ट पे हम पहुंच गए थे, सबसे पहले तो जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती है वो करी। बाहर बहुत गर्मी है लेकिन एयरपोर्ट पे अच्छा लग रहा है। और बस आते ही मेरे को ना यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी चाहिए थी क्योंकि आज मॉर्निंग की मैंने कभी कभी कॉफ़ी कभी कभी लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं चाय वगैरह ही लेती हूँ, लेकिन मेरे को कोल्ड कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था। सो हमने एयरपोर्ट पर आते ही सबसे पहले कोल्ड कॉफ़ी पी, मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लगी थी। और प्लेन में थोड़ा सा मंचिंग के लिए मैं कुछ ले रही थी क्योंकि मेरे पास टोटे बैग रहता है, उसमें मैं डाल लेती हूँ कुछ भी हल्की सी मंचिंग हल्की फुल्की करनी हो, तो उसके लिए मैं कुछ यहाँ मखाना वगैरह ले रही थी। और बाकी बस इस तरह से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग बने रहना मेरे वीडियो में और जो प्लीज़ नए हैं मेरे चैनल में वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, आगे बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाले हैं गाइस। जो
चलो जी हम जा रहे हैं फ़्लाइट की तरफ अपनी नेक्स्ट जर्नी के लिए। बैगेज भी हमने बहुत लाइट ही लिया है गाइस, क्योंकि इस बार गोवा हम जल्दी जा रहे हैं। 5-6 ईयर्स पहले गए थे तो हम मॉनसून में गए थे, लेकिन इस बार हम जा रहे हैं मॉनसून से पहले, क्योंकि मॉनसून में ना थोड़ा तो चलो जी गाइस, फाइनली हम बैठ गए अपनी सीट्स पे और बस अभी बोर्डिंग हो रही है। और यहाँ पे मैंने प्रिंगल्स लिए हैं स्मॉल पैक, मेरी चॉइस का ना फ्लेवर नहीं मिला, उसमें बड़ी पैकिंग थी, तो मैंने कहा कि अब 2.5-3 आवर की जर्नी है तो इतना कुछ क्या लेके जाना। फिर बस मखाना ले लिया था, मुझे टेस्टी लगता है, मैं बनाना चिप्स ढूँढ रही थी तो मुझे मिली नहीं थी। तो बस अनाउंसमेंट हो रही है और थोड़ी देर के बाद हम निकलने वाले हैं। Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I. गाइस स्मॉल मंचिंग के लिए तो मैंने सामान ले लिया था, लेकिन फ़्लाइट में हमने फूड नहीं लिया क्योंकि कई बार मुझे टेस्टी नहीं लगता। एक दो बार पहले क्योंकि वहाँ पे भी सैंडविचेस और कोल्ड सैंडविच और ऐसे उपमा वगैरह और दाल राइस इस तरह की चीज़ें रहती हैं, लेकिन मेरा मन नहीं था तो हम लोगों ने वेज रैप खा लिया था एयरपोर्ट पे। एंड मैंने कॉफ़ी ले ली थी और बैठ के बस मैगज़ीन वगैरह रीड कर रही थी, और इस तरह से मेरा टाइम निकल गया गाइज। और ये देखो हम पहुंच गए गोवा, और बस अभी प्लेन लैंड होने वाला है और मैं आपको लैंडिंग भी दिखा रही हूँ साथ के साथ ही। और बीच में मैं सो भी गई थी। सबसे पहले तो गोवा पहुँचते मुझे बिग सा सी दिखा, और ये हो गई हमारी लैंडिंग गोवा में और सी दिखा। सो गाइस फाइनली हम गोवा पहुँच गए, और पूरे एयरपोर्ट पे देखो कारपेटिंग करी हुई है पूरे एयरपोर्ट पे। कारपेट है ना वो, इसलिए
गाइज, एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही हम अपनी टैक्सी का वेट कर रहे थे। यहाँ से 1 आवर और लगेगा तो हम वारका साइड जाएंगे। हम साउथ गोवा में स्टे कर रहे हैं, कारावेला बीच रिजॉर्ट है हमारा, तो बस यहाँ के लिए निकलेंगे अभी। सो गाइज, बस अभी हम रिजॉर्ट की तरफ ही जा रहे हैं और मुझे ये ना हाउसेस यहाँ के देख के बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब ट्रेडिशनल से गोवन हाउसेस हैं और इनके बहुत कलरफुल हाउसेस होते हैं, हर तरह के कलर किए होते हैं, तो थोड़ा डिफरेंट सा लगता है देखने में। बहुत सारे कोकोनट ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं। और हम जब लास्ट टाइम गए थे तो हमने साउथ गोवा में ही स्टे किया था, क्योंकि साउथ गोवा में स्टे बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लगता है मुझे हमें। और जिस रिज़ॉर्ट में हम स्टे कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही फैमिलियर है, बिकॉज़ जब हम पहले गए थे तब भी हमें वहाँ का स्टे एंड वहाँ का स्टाफ बहुत ही अच्छा लगा था, जिस वजह से हमने इस बार भी वही चूज़ किया। ऐसे बहुत सारे स्टेज हैं, हम नॉर्थ गोवा साइड कम ही रहते हैं और बिकॉज़ उस तरफ भी घूमने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमें होता है ना कि आप एकदम थोड़ा सा अपना फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हो रिज़ॉर्ट के बीच। एक दिन तो हम रिज़ॉर्ट में ही स्पेंड करते होते हैं। हमारे आगे बहुत सारे प्लान्स हैं, हमने थार भी बुक करवाई हुई है, तो हम पहुँच गए कारावेला बीच रिज़ॉर्ट और 2 डेज़ हम उसमें घूमेंगे एंड वो हमारे पास ही रहेगी कार जी, मतलब थार। और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे बीचेस में, तो जाने का मुझे इतना है नहीं, बिकॉज हमारे यहाँ का खुद ही प्राइवेट बीच है, तो हम लोग यहीं बीच पे इंजॉय करेंगे। काफ़ी नीट एंड क्लीन रहता है और जो रिजॉर्ट के लोग होते हैं वही अंदर जाते हैं। मतलब फाइनली हम पहुँच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन में, कारावेला बीच रिज़ॉर्ट, और ये हमारा रिज़ॉर्ट है जहाँ पर हम 4-5 दिन स्टे करेंगे और इन्जॉय करेंगे अपना स्टे। 6-7 ईयर्स के बाद आ रहे हैं हम। अरे रुको, इस बस यहाँ रिसेप्शन में जो थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज रहती है वो कर रहे थे। गाइस, फाइनली हम पहुंच गए गोवा। गाइस देखो, मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। अभी तो हम जस्ट ना, हम अभी अपने रूम में भी नहीं गए थे, क्योंकि बीच वाली साइड जो है ना वो क्लोज़ हो जाती है इवनिंग टाइम में, तो अंधेरा होने वाला था, तो हमने सोचा सबसे पहले हम बीच का एक मतलब बीच को टच तो नहीं कर सकते अभी जाके, कल जाएंगे हम बीच साइड पे, लेकिन बीच को देख के आते हैं, क्योंकि 6-7 ईयर्स पहले हम लोग यहाँ गोवा आए थे तो हमने बीच देखा था, और मैंने 6-7 ईयर्स पहले फर्स्ट टाइम ही बीच देखा था। और गाइज इतना अच्छा लग रहा है, हमारा रिजॉर्ट ही काफ़ी बिग है और यहाँ घूमने फिरने के लिए आप देख सकते हो कितना स्पेस है, और इवनिंग टाइम है अभी, और क्रो अभी हमारा लगेज भी रिसेप्शन पे ही रखा हुआ है गाइस। और हम लोगों ने सोचा क्यों ना पहले बीच में जाके आया जाए। इतने सारे क्रो, और गाइस हम लोग सीधे लुधियाना से पहुंच के, यहाँ पे ना जो टेम्परेचर है वो है 30 डिग्री और वहाँ पे 42 डिग्री छोड़ के आए हैं, बट यहाँ पे वेदर तो प्लेजेंट है लेकिन थोड़ी सी ह्यूमिडिटी है, बट इतनी ज़्यादा भी नहीं है। और गाइज यहाँ तो हम बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं, यहाँ पे खूब सारी योगा वगैरह करूँगी मैं, कोशिश करूँगी सुबह उठने की। और यहाँ पे बीच आपको मैं दिखाती हूँ, चलो बीच के सामने ही बिल्कुल यहाँ पे आपको बार वगैरह वगैरह मिल जाएगा, और इवनिंग में आप यहाँ पे आके
इंजॉय कर सकते हो। पूरा व्यू दूंगी, एक टूर दूंगी आपको इस रिजॉर्ट का, बट सबसे पहले बीच देखते हैं, उसके बाद रूम में जाएंगे यार गाइस, क्योंकि मेरे को एक्साइटमेंट थी ये बीच देख के आऊँ सबसे पहले, क्योंकि क्लोज़ हो जाता है ना ये अभी थोड़ी देर में। सो गाइस सैंड में मत जाना, अभी तो शूज़ लेके ज़्यादा, हाँ शूज़ मत लेके जाना, सेमो सेमो शूज़ सैंड में मत लेके जाओ यार। तो गाइस आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है यार, जय माता दी, भगवान ने नेचर को कितना ज़्यादा अच्छा बनाया है यार गाइस। वो देखो सनसेट ही हो रहा है एक तरह से, सनसेट हो चुका है, लेकिन उस तरफ जो रेड रेड दिख रहा है आपको तो अभी जस्ट हुआ है सनसेट, और हवा चल रही है बहुत अच्छी वाली, 30 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे, सीधे 10-12 डिग्री कम हो गया, और वेव्स आ रही हैं। कल हम यहाँ पे पूरा इंजॉय करने वाले हैं, पूरा 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 पूरा। 6-7 ईयर्स पहले यहाँ फर्स्ट टाइम बीच पे आया था, मुझे डर लग रहा था, लेकिन इस बार मुझे अच्छा लग रहा है, डर नहीं लग रहा यार गाइस। स्लीपर तो गंदी हो जाए तो क्लीन भी हो जाएगी। एक मिनट मुंह हटना, और मुझे अब दिख रहा है रियल वो, हटो देखो, क्योंकि मुझे स्ट्रेच के साथ कलर अलग दिख रहा है। तो गाइज़ मैं तो यहाँ पे बैठ गई थी आराम से, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड भी थी, और मेरे हाथ में अभी एक बैग था, तो मैंने सोचा कि, और शूज़ वेयर करे हुए थे स्पोर्ट शूज़, और शूज़ में एक बार सैंड चली जाए ना तो मतलब निकलती मुश्किल से है, और हम एक एक पेयर ही लेके आए थे, और सैंड पे शूज़ वेयर करके जाना कोई समझदारी वाली बात नहीं लग रही थी, तो ये और समायरा चले गए थे उधर, लेकिन मैंने शूज़ रिमूव करवा दिए थे इनसे, क्योंकि रूम में मैं नहीं चाहती थी कि सैंड ही सैंड हो जाए, मैं रूम को भी नीट एंड क्लीन रखना चाहती थी। और हम लोग बहुत सारे पेयर स्लीपर्स के लेके आए हैं, और मैं यहाँ पे बैठ के सैमो और सैमो के पापा का वीडियो बना रही थी, ये बिल्कुल वेव तक गए हैं वहाँ तक, लेकिन अभी तक सिर्फ उसको थोड़ा सा टच करके आए हैं, और क्योंकि 3-4 डेज हमारे पास हैं अभी, और हम लोग बहुत ज़्यादा वाला इन्जॉय करने वाले हैं यहाँ पे। यस हमारे लगेजेस ये रहे, सो गाइस ये है हमारा रूम, फाइनली हम अपने रूम में पहुंच गए बीच के बाद, बाद में अच्छा सा टूर दूंगी रूम का। सबसे पहले पढ़ सकती हूँ, क्योंकि इसको हैंग कर करके मैं थक गई। यहाँ से व्यू देखते हैं, यहाँ से पूल दिखता है, और पूल के उस तरफ बीच है, और ये बालकनी है बाहर, पर हम बाद में देखेंगे ये सब, पहले हम फ्रेश हो जाते हैं। ये चेंज करके आ गए, मैंने शॉर्ट्स पहन लिए क्योंकि यहाँ, और मैं स्लीपर्स पहन के आई हूँ क्योंकि शूज़ पहने थे तो मैं नहीं चाहती थी वो ख़राब हो जाएं, और अभी बीच वैसे तो इस टाइम तक क्लोज़ हो जाता है, इवनिंग में क्लोज़ हो जाता है, और मैं ना रात को ना, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो लोग बैठे हैं, एक्चुअली ये रिजॉर्ट वालों का पर्सनल बीच है, यहाँ प्राइवेट बीच है, यहाँ पे कोई बाहर आउटसाइडर्स नहीं आ सकते हैं, और यहाँ पे इनका सारा बार है, रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ बैठ के आप मैच देख सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो, और आपको मून दिखाती हूँ, मून का व्यू इतना सुंदर आ रहा है। वैसे ही इतनी रात को अलाउड नहीं था पहले बीच में आना, जब हम लास्ट टाइम रहे थे शाम को ही बंद हो जाता था, लेकिन इस बार अभी जो वेव्स वगैरह होती है ना इनकी, वो पता नहीं क्या, मुझे समझ नहीं आया, तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा कि अभी आप बैठ सकते हो यहाँ पे, लेकिन पास पास में रहना। वैसे मुझे उस पास में बिल्कुल जाने में ना सी के बिल्कुल डर लग रहा है अभी इस टाइम, क्योंकि आवाज़ें बहुत ज़्यादा भयानक सी आ रही हैं, डरावनी। सुबह जाऊंगी मैं बीच पे और वहाँ फुल इंजॉय करूँगी, शायद सुबह उठ के मैं जॉगिंग करूँ वहाँ पे, और
यहाँ पे अभी हमने कुछ मतलब क्योंकि हम ट्रैवलिंग करके आए हैं ना, तो हमने सोचा कुछ पी लेते हैं चिल्ड सा। साथ में हमने यहाँ पे मैंने एक सूप यहाँ पे ऑर्डर कर दिया है अभी, और साथ में कुछ और भी खाने के लिए स्नैक, मतलब लाइट सा स्नैक, क्योंकि इसके बाद हमने डिनर ही करना है। तो हम बस थोड़ा सा इसको फील लेना चाहते थे, इंजॉय करना चाहते थे। तो गाइज़ इसी तरह से आज हमारा आज का फर्स्ट डे निकला जर्नी में ही, और आते ही हमने बीच पे मतलब आ गए। लेकिन मुझे ये ना कि कल जब हम दो तीन दिन हम यहाँ पे हैं, तो मैं आपको रिजॉर्ट का फुल टूर दूंगी, एंड जहाँ जहाँ हम जाएंगे पॉसिबिलिटी, जहाँ जहाँ मैं चाहती हूँ कि कुछ एस्थेटिक से बार्स हैं यहाँ पे, रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ भी हम ट्राई करेंगे। हम साउथ गोवा में, नॉर्थ गोवा में जाएंगे, फिर वहाँ के भी वीडियोस बनाऊंगी एंड ब्लॉग, जितनी जगह कवर हो सकती है 3-4 दिन। इसमें आपको सी की आवाज़ सुनाती हूँ। एक बियर ले लिया मैंने, हाँ जी, और एक बियर ले लिया मैंने, और साथ में सी की आवाज़ थोड़ा, मैं पास पास जा रही हूँ। यार मुझे सच में पानी से डर लगता है, जो सी की आवाज़ है ना, एक तरह से इतनी सूदिंग है ना कानों को। मॉर्निंग में मैं यहाँ मॉर्निंग वॉक करूँगी गाइस, रात का टाइम है, सॉरी गाइस आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपको मैं आप तक ये आवाज़ पहुँचाऊँ। सुनो, साइलेंट हो जाती हूँ मैं, अपना मुँह बंद करती हूँ। ज़्यादा आगे मत जाना सैमू, ठीक है? जाने तो ध्यान से। ओह माय गॉड, डर लग रहा है। फर्स्ट टच, ओह गॉड, फर्स्ट वेव आई गाइस। ओ इतना ठंडा पानी है यार, वाओ। आपकी लास्ट टाइम भी स्लीपर चली गई थी, स्लीपर डाल दो, वहाँ रिमूव कर दो, मैं नहीं रिमूव करूँगी, आप रिमूव कर दो। ओह माय गॉड गाइस, देखो वेव्स। वो हमारा रिजॉर्ट गाइस, ये देखो अभी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, लोग वो देखो ऊपर फ्लाइट जा रही है गाइस, हमारी फ़्लाइट भी इसी रास्ते से आई होगी, वहीं से हमें गोवा दिख रहा था। मुझे ना डॉगी को देख के डब्बू मैचू की याद आ गई मेरे, आए कितना पारुष है ये गाइस। देखो काश डब्बू मैचू को हम यहाँ पे ला पाते, वहाँ से ना इतनी ज़्यादा आवाज़ होके आ रही है और यहाँ पे आके ना कम हो जा रही है बिल्कुल। यार गाइस सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग बनाऊंगी यार गाइस, मैं बहुत अच्छा, मैं यहाँ जॉगिंग करूंगी। सैंड पे वैसे जॉगिंग करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वहाँ ग्रास में करूंगी मैं। बीच हम वहाँ से अभी यहाँ पे आए हैं, काफ़ी लोग वॉक करने हैं नॉर्मल, कोई फालतू की मस्ती नहीं कर रहा, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपकी खुद की सेफ्टी आपके हाथों में होती है ना, ऐसे अलाउड नहीं करते वहाँ जाना रात को। यहाँ पे टेबल्स हैं ओपन, यहाँ पे हमने कुछ स्नैक मंगाया है, तो यहाँ पे ये कैंडल चल रही है ना लैंटर्न में, कितनी अच्छी लग रही है, और कुछ लोग अंदर अपना इंजॉय कर रहे हैं, कुछ वहाँ टीवी भी लगा हुआ है, आजकल मैच वगैरह चल रहे हैं, तो उस बार का नेम है सनसेट बार, और ये हमारे रिजॉर्ट का ही है सारा। शैमू से हाय, क्यूट टू बेबी मेरा। सो गाइज़ बस अभी हम लोग यहाँ बैठ गए थे, क्योंकि हम इतना ट्रैवल करके आए हैं, भूख भी लग गई थी, और मैंने यहाँ पे टोमेटो सूप मंगा लिया था, और साथ में हमने यहाँ पे चिकन का कुछ मंगाया था, मुझे नाम भूल गया इसका, ये सैमी और उसके पापा खाएंगे, क्योंकि मैंने नॉन वेज खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया, मुझे 6-7 मंथ्स हो गए हैं, अब मैं कभी भी नहीं खाऊँगी लाइफ में। उसके बाद बस हम यहाँ नाइट का व्यू भी इंजॉय कर रहे थे साथ में, और अभी मुझे ये लग रहा था कि अभी आज हमारा फर्स्ट डे है, तो हमने रूम में बैठ के भी क्या करना था, तो हम बीच वाली साइड आ गए थे, और हमें इन्होंने कहा अभी कि अब काफ़ी देर तक खुला रहता है बीच, बिकॉज काफ़ी लोग हैं। ये आगे मत जाओ साइड में, अभी पैर धो रही हैं। गाइस यहाँ पे साइकिल्स भी मिलती है, जो कल मॉर्निंग में मैं लूँगी, और
हाँ मेरा फेस बहुत फास्ट आ रहा है, मैंने डायरेक्टर व्यू ऑन कर लिया है और मैं ना कल मॉर्निंग में करूँगी साइकिलिंग बीच साइड पे, ट्राई करूँगी कल मॉर्निंग में। अभी तो हम यहाँ बस बार के पास रुक गए थे थोड़ी देर के लिए। नहीं डाकिन आज के लिए बस इतना ही, सेकंड व्लॉग भी जल्दी आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में और बहुत इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग वीडियोस और व्लॉग्स आने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।